दर्शकों, आज माघ शुक्ल पंचमी, इसी दिन को वसंत पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन को विद्या की अधिष्ठाती माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसके चलते इस दिन को सरस्वती पूजन का विधान है। आइए जानते हैं इस पर्व की विशेषताएं। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इसी दिन से वसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में वसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है, जिसके चलते साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि क्षेत्र से जुड़े लोग वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। वर्ष के सारे ऋतुओं में वसंत पंचमी को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है, जहाँ प्रकृति के खिलखिलाते रूप के दर्शन होते हैं। कोयल के गीत और राघों की वाणी सभी इस ऋतु में सुनने को मिलती है। दर्शकों, प्राकृतिक महत्व के साथ ही वसंत पंचमी पर्व के पीछे कुछ आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। आइए डालते हैं एक नजर। या कुंदेन तुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्था मृता या वीनावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभुतिवी दैवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा। दर्शकों, वसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की भी वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। इस देवी के हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी की वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। माँ सरस्वती ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए लोग वसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वांगदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संसार के ऋतु परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाल मौसम का आगमन हो, इसी कामना के साथ BCN के सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।